सो हेलो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं Hyundai Verna 2024 facelift के बारे में, और जानेंगे कंपनी क्या ऑफर कर रही है, क्या स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं नई Hyundai Verna में। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर हम फ्रंट फेशिया की बात करें तो यहाँ पर आपको काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, एंड स्पेसिफिकली जो इसकी सामने जो DRL की जो पार्ट है, ये बहुत से लोगों को पसंद आती है एंड बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती है, ये मैटर ऑफ परसेप्शन है। जैसे कि आपने पुरानी क्रेटा में देखा था, लोगों ने इसको उसके डिज़ाइन लैंग्वेज को काफ़ी डिसलाइक किया था, बट ग्रेजुअली लोगों ने उस डिज़ाइन को अडाप्ट कर लिया एंड काफ़ी अच्छी खासी सेल रही है ऑल ओवर क्रेटा की, एंड यहाँ पर भी लोग इस डिज़ाइन लैंग्वेज को अडाप्ट कर लेंगे। एंड पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी डिज़ाइन, बट बहुत से लोगों को नहीं पसंद आ सकती है। ये पूरी जो कंप्लीट आपको DRL दिखते हैं, ये पूरी कनेक्टिंग डिज़ाइन में यहाँ पे आपको ऑफर कर दी गई है। सामने यहाँ आपको Hyundai की लोगो मिल जाती है, काफ़ी बड़ी सी एक बिगर लोगो ऑफर करती है सामने की तरफ। नीचे आपको एक जो हेडलैम्प सेटअप है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वाइट LEDs के साथ आते हैं इसके हेडलैम्प्स, एंड नीचे आपको यहाँ मिल जाते हैं इसके टर्न इंडिकेटर्स। साइड में आपको यहाँ वेंट मिल जाते हैं, सारे वर्किंग वेंट्स हैं, ये जस्ट फॉर शो नहीं है। सामने आपको मिल जाते हैं सेंसर्स। ग्रिल की बात करें फ्रंट ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको डार्क क्रोम एलिमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, एंड अब वरना आती है ADAS के साथ। सो जो आप अपर मॉडल्स पे जाएंगे वहाँ पे आपको यहाँ फ्रंट की ओर ADAS के जो सेंसर है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट इस वेरिएंट में आपको ADAS ऑफर नहीं किया गया है। सामने आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं अपने फ्रंट एरिया के लिए, एंड कुछ स्प्लिटर टाइप का जो डिज़ाइन है फ्रंट में वो देखने को मिलता है। काफ़ी स्पोर्टी एंड एग्रेसिव जो लुक है ओवरऑल नई Verna की निकल कर आती है। साइड से बात करें तो साइड्स में आपको बहुत सारे कट्स हैं, जो क्रीसेज हैं वो देखने को मिलेंगे, एंड कार कहीं ना कहीं से अगर आप देखें तो ऑरा एंड जो स्लाविया है उसकी थोड़ी सी मिक्सचर आपको देखने को मिलने वाली है। सामने की तरफ आपको मिल जाते हैं इसके वाइपर्स। ADAS वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है अपर विंडशील्ड के पास। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं वाइपर्स। एलॉयस एंड टायर साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको 205x55 16 इंच के एलॉय साइज़ के साथ आती है अपोलो टायर्स, एंड यहाँ आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरह के एलॉयज, डायमंड कट एलॉयज देखने को मिलते हैं, जो डार्क ग्रे एंड ग्रेइश फिनिश है वो यहाँ पे आपको ऑफर करती है। साइड्स से हम बात करें तो यहाँ पे आपको RVMs मिलते हैं विद इंडिकेटर माउंटेड। डोर हैंडल्स आपको ग्लॉसी ग्रे फिनिश में दिए गए, एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत सारी कट्स एंड क्रीसेज हैं वो कार में आपको ऑल ओवर देखने को मिलती है। हर जगह पे आपको कट्स एंड जो क्रीसेज हैं वो देखने को मिल पा रहे होंगे। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आती है, एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर कर देती है Verna। जितने भी डायमेंशन होंगे कार वो आपको फिलहाल स्क्रीन पे आपके ब्लिंक कर रहे होंगे, एंड ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके शार्क फिन एंटेनास। 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है, एंड अगर हम इंजन ऑप्शंस की बात कर लें तो यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। डीजल अब Verna में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, एंड सिर्फ आपको पेट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है। CVT, DCT और मैनुअल में आती है, तीन आपको ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसकी टर्बो वेरियंट भी आती है जहाँ पर आपको DCT एंड मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, एंड इस पर्टिकुलर मॉडल में जो SX एंड SX से नीचे मॉडल्स हैं उसमें आपको रियर की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। टर्बो DCT अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको रियर डिस्क ब्रेक्स भी मिलते हैं, बट अगर आप टर्बो मैनुअल लेते हैं तो वहाँ पे आपको रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को नहीं मिलते हैं। टर्बो की जो कैलिपर्स रहेंगे वो आपको रेड में मिलते हैं Hyundai Verna में, एंड पीछे की तरफ जो डिज़ाइन एलिमेंट देखेंगे यहाँ पे कुछ क्रोम, डार्क क्रोम फिनिश है वो दिया गया है, एंड थोड़ा सा जो टेक्सचर डिज़ाइन है वो यहाँ पे दिया गया है। थोड़ी सी यहाँ पे जो सरफेस है वो ऊपर नीचे सी है, तो काफ़ी अच्छा एक ऑल ओवर डिज़ाइन देखने को मिलता है। बहुत से लोगों को पसंद आने वाली है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती है, पर्सनली मुझे अच्छी लग रही है नो डाउट। एंड पीछे से अगर हम बात करें तो पीछे से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको मिलते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको स्लाविया और ऑरा की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उससे मिलती जुलती दिखने को मिलने वाली है। कनेक्टिंग टेल लैम्प जो डिज़ाइन है वो ऑल ओवर आपको कार पे देखता हुआ मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको Verna की बैजिंग मिलती है। ये कोई एम्बॉस्ड बैजिंग नहीं है अंदर की तरफ से, सो आप इसको फील नहीं कर सकते, बट ये दिखती अच्छी है काफ़ी, एंड अगर आप कार को क्लीन करते तो उस वक्त काफ़ी इजी रहेगा, ये उखड़ने का चांसेस नहीं है इसके। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है Hyundai की बैजिंग, ये एम्बॉस्ड पार्ट में है, एंड यहाँ की तरफ आपको मिलते हैं इसके रियर कैमराज, साथ ही चार पार्किंग सेंसर्स पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक जो डायमंड कट वाला एक पैटर्न है वो उस टाइप का आपको पीछे का रियर बम्पर्स में देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस की बात कर ले
तो यहाँ पे 533 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, लार्जेस्ट इतना सेगमेंट है। और नीचे यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके स्पेयर व्हील टायर्स 185x65 15 इंच की छोटी साइज़ की आपको स्पेयर व्हील मिलती है। ऊपर की तरफ मिल जाते हैं इसके बूट लैंप्स, और काफ़ी अच्छी खासी एक जो स्पेस है यहाँ पे आपको ऑफर होते हुए मिलती है वरना में बूट में। यहाँ मिलती है आपको वेरिएंट बैजिंग, एसएक्स है, एसएक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर ऑप्शनल भी आप लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको एसएक्स का मिलता है, ओ ऑप्शनल जो वेरिएंट बैजिंग रहती है वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं आपके रिवर्स लाइट्स के लिए, एंड नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ये पार्ट यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, एंड पूरे ही कार में कट्स एंड क्रीसेस जो है काफ़ी देखने को मिलते हैं। सो इंटीरियर्स की बात करें और शुरू करते हैं रियर से, और इसके डोर पैनल्स को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो बेज एंड ब्लैक का थीम है वो दिया गया है। टर्बो वेरिएंट्स में आपको ब्लैक एंड रेड का जो थीम कॉन्ट्रास्ट है वो कलर स्कीम है वो देखने को मिल जाता है। कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स की बात करें तो क्रोम फिनिश में दी गई है, एंड सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ होते हुए आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी थोड़ी सी टेक्सचर डिज़ाइन दी गई है। नीचे आपको मिल जाते हैं बॉटल होल्डर स्पेस और एक छोटी स्पेस एक्स्ट्रा कुछ सामान रखने के लिए। स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ की गई है। सन ब्लाइंड्स इसमें ऑफर नहीं करते, क्रेटा लेते तो क्रेटा में आपको सन ब्लाइंड्स का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। रियर सीट्स की बात करें तो अब लार्जेस्ट व्हील बेस मिलता है अपने सेगमेंट में, सी सेगमेंट में आती है वरना, एंड पहले एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वरना यहाँ पे आपको ज़्यादा एक जो रियर स्पेस है वो देखने को मिलती है क्योंकि व्हील बेस को भी बढ़ाया गया है, एंड ओवरऑल जो कंफर्ट है वो भी आपको इंक्रीज़ होता हुआ मिल जाएगा। सेंटर में आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका आर्म रेस्ट। सो ये कंपनी की कार है, सो यहाँ पे अभी हम लोग इसके जो पन्नी है उसको निकाल नहीं सकते, बट यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स के साथ इसकी सेंटर आर्म रेस्ट मिल जाते हैं, और दो हेडरेस्ट मिलते हैं। मिडल पैसेंजर को किसी भी तरह का हेडरेस्ट नहीं मिलता है, काफ़ी सॉफ्ट है हेडरेस्ट, तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी आपको होने वाला है। अगर हम स्पेस की बात करें सो जो ड्राइवर सीट्स है वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली सेट हैं, एंड तब भी एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिलती है। अगर आप 6 feet एंड अबव भी हैं तो आप इजीली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं कंफर्टेबली, अच्छी खासी एक स्पेस मिल जाती है। थाई सपोर्ट की बात करें तो थाई सपोर्ट भी एक डिसेंट अच्छा सा मिल जाता है जिसमें ज़्यादा शिकायत आपको नहीं होगी। हेडरूम भी आपको एक अच्छी खासी हेडरूम मिल जाती है। हेडरूम की हम बात करें तो एक अच्छी खासी हेडरूम यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे मिल जाते हैं केबल लैंप्स वाइट LEDs के साथ, एंड ओवरऑल जो सीट कंफर्ट है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिलने वाला है, एंड जो आपका जो कंफर्ट रहता है वो कहीं भी आपको कम होता हुआ नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक स्टोरेज स्पेस दिया गया है, दो टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं, सेंटर हम ज़्यादा नहीं है तो आराम से मिडिल पैसेंजर भी यहाँ पे बैठ सकता है। सीट पॉकेट्स आपको ड्राइवर साइड्स नहीं देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ को पैसेंजर जो एरिया है वहाँ पे आपको सीट पॉकेट मिल जाता है, एंड सारे ही हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर सकते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो पार्शियल ट्रे जो है वो लगा हुआ है, एंड डिफॉगर्स तो आपको रियर जो विंडो ग्लास है पीछे वाली विंडशील्ड वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। आपको मिलते हैं वन पिच ऑटो अप डाउन जो विंडोज़ है वो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड से मिलते हैं, को पैसेंजर साइड एंड बाकी विंडोज़ में वो ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। चाइल्ड लॉक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ORVM के कंट्रोलर्स यहाँ पे आपको मिल गए, एंड अगेन जो टेक्सचर्ड फिनिश है वो यहाँ पे आपको इसके जो पैनल्स हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल अंदर में नहीं देखना। अगर Hyundai थोड़ी सी सॉफ्ट टच मटेरियल प्रोवाइड करती तो ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन रहता। नीचे की तरफ आपको मिलते हैं इसके वाटर बॉटल होल्डर्स, दो छोटे बॉटल्स आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, एंड साइड्स में आपको छोटी सी एक स्पेस मिलती है तो आप एक्स्ट्रा कुछ जो आपके कपड़े या कुछ पेपर्स है वो यहाँ पे आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इंटीरियर्स की बात करें तो कंप्लीट बेज एंड ब्लैक का कलर स्कीम रखा गया है। टर्बो वेरिएंट्स में आपको ब्लैक एंड रेड का जो कॉन्ट्रास्ट है वो देखने को मिलता है, रेड की जो स्टिचिंग है वो मिलती है, एंड कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं। फ्रंट से काफ़ी अच्छी लगती है, जो नया डिज़ाइन स्टेयरिंग व्हील को मिला है वो आप देख सकते हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे प्रेजेंट आपको होते हुए मिल जाते हैं, एंड अगर हम सीट एडजस्टर्स की बात कर ले तो सीट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको हाइट एंड लंबा सपोर्ट का मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स आपको टर्बो वेरिएंट एंड SX ऑप्शनल जो वेरिएंट है वहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। फैब्रिक सीट्स हैं, लेदराइट सीट्स नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको मिलता है स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड
आपके ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप एंड हेडलैम्प लेवलर्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं। यहाँ पे आपको बोनट का लिवर मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको जो आपकी ODB बॉक्स है एंड जो सारे फ्यूज़ बॉक्स है वो यहाँ पे आपको प्रेजेंट होते हुए मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ दिया गया है एंड अगर आप ये देखेंगे तो आपको लगेगा ये फैब्रिक का यूज़ किया गया है, बट ये फैब्रिक नहीं, हार्ड प्लास्टिक ही है, उस टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। अच्छी लग रही है बट सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती थी हुंडई। एम्बियंट लाइट आपको ऑल ओवर कार में मिल जाती है जो काफ़ी प्रीमियम लगती है, अच्छी दिखती है ऑल ओवर कार में। एंड ये चीज़ मिस करती है नई वाली क्रेटा। अगर आप नई वाली क्रेटा में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये वाली एम्बिएंट लाइट इतनी नहीं मिलती है। एंड अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी आपको एक फिनिश में एम्बिएंट लाइट दी गई है जो काफ़ी प्रीमियम लग रही है एंड काफ़ी अच्छी लग रही है अंदर से। ऑल ओवर जो कार की जो इंटीरियर्स है उनको इन्हांस कर देती है ये छोटे छोटे जो टचेज रहते हैं। एंड जो एम्बिएंट लाइट की जो आपकी कलर स्कीम है काफ़ी वास्ट है, बहुत सारे आप कलर्स में सेलेक्ट कर सकते हो कलर व्हील से। एंड इसकी अगर हम पैनल की बात कर ले यहाँ पे तो इन्फोटेनमेंट भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं AC कंट्रोलर के साथ। यहाँ पर आपको स्विच मोड दिया जाता है जिससे आप अपने पूरे जो डिस्प्ले है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने इन्फोटेनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने AC के जो कंट्रोलर है उसको भी यहीं के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया गया है, 2-way क्लाइमेट कंट्रोल है, आराम से अपने क्लाइमेट को आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स आपको इस वेरिएंट पे देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं आपके DRBMs, पार्किंग सेंसर्स, वायरलेस चार्जिंग, टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट दिया गया है, USB पोर्ट एक प्रोवाइड मिल जाता है। तो जितने भी आपके पोर्ट्स हैं वहाँ आपको ईजिली मिल जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड एक जो फर्स्ट इन सेगमेंट ऑफ फ्यूचर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वार्निंग सीट बेल्ट की, ये रियर सीट की वार्निंग्स है, 3-pointer सीट बेल्ट मिलती है। तो वहाँ पे आपके जितने भी वार्निंग्स है वो यहाँ पे ब्लिंक करने वाले हैं इन केस अगर आपके जो रियर पैसेंजर है वो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो उनकी जो वार्निंग सिग्नल्स है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। एक अच्छी फीचर है, थोड़ी क्लासी भी लगती है एंड इस प्राइस रेंज में इंटीरियर अच्छे लगते हैं, प्रीमियम फील करते हैं। एंड जो न्यू स्टेयरिंग व्हील है वो भी अच्छी है, काफ़ी हैंडी फील होती है, लेदर आप स्टेयरिंग व्हील मिलती है। टर्बो वेरियंट में आपको रेड स्टिचिंग मिल जाती है, ब्लैक ऑल ओवर स्टेयरिंग व्हील रखा गया है। इन्फोटेनमेंट कंट्रोल्स आपको इस तरफ मिलते हैं, MID कंट्रोलर्स यहाँ मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन, 10.24 इंचेस की आपको क्लस्टर इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी अच्छी एक बड़ी इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले जो है आपको मिलती है यहाँ पे। ये सेम आपने बाकी Hyundai कार्स में भी देखा था, ये सेम वही वाली आपको मिलती है इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले, क्वाइट मोड एंड वॉइस मेमो और कुछ एक्स्ट्रा 2-3 फीचर्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एड ऑन होते हुए मिल जाते हैं। वॉइस मेमो का अच्छा ऑप्शन यहाँ दिया गया है, लागी बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जो ऑल ओवर इंटीरियर्स का जो फिट एंड फर्निश है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता था अगर सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया जाएगा, बट प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है एंड कोई सस्ती चीप फील नहीं होने वाली है। ग्लव बॉक्स की बात करें, यहाँ कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, एक अच्छी स्पेस मिल जाती है, ठीक ठाक सी आपको स्पेस ऑफर करती है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IRVMs मिल जाते हैं, यहाँ पे वाइट LED लैंप्स, सनरूफ, छोटी साइज का सनरूफ यहाँ पे ऑफर किया गया है, उतनी खास बड़ी सनरूफ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है, जो पहले वरना में आता था वैसी सेम ही साइज मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं। एंड इसको आप मैनुअली शट डाउन कर सकते हैं, बहुत सारे कार्स में अब ये शटर आपको नहीं दिया जा रहा मैनुअली करने के लिए, वो आप इसके थ्रू ही एडजस्ट कर सकते हैं, बट वरना में इसको आप इजीली अपने हाथों से ही मैनुअली हटा सकते हैं इसके शेड्स को। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, सन शेड्स में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं मिरर्स, लाइट का फंक्शन वो देखने को नहीं मिलता है। एंड अच्छी बात यह है कि ड्राइवर साइड भी आपको मिरर्स दिए गए हैं। बाकी इंटीरियर की बात करें कुछ इस तरह के इंटीरियर दिखते हैं, साइज ट्विटर की प्लेसिंग होते हैं मिल जाती है, नीचे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको जो डिफोकस के वेंट हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं एंड कंप्लीट कुछ इस तरह की व्यू है। वन टैप ऑटो अप डाउन सिर्फ ड्राइवर साइड है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बाकी विंडोज़ में आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। एंड इस तरह की कुछ इंटीरियर्स आपको प्रोवाइड करती है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अपने वाइपर कंट्रोलर्स, इधर हेडलैम्प कंट्रोलर्स मिल जाते हैं आपको, जो इसकी क्लस्टर है वहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है सारी कुछ देखने को, ऐसा सच कुछ नया इसमें ऐड ऑन नहीं किया गया। आपको जो एवरेज है, आपकी फ्यूल कैपेसिटी है, ऑडोमीटर, वो सारे आपको देखने को मिलते हैं। बाकी और एक्स्ट्रा आप कुछ चाहेंगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया गया। TPMS मिल जाता है आपको, 6 एयरबैग्स है वो स्टैंडर्ड कर दिए हैं अक्रॉस एवरी वेरियंट।
और बस इतना ही है इंटेक की तरफ से, एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस नहीं है। ट्रांसमिशन का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे आपको मिल जाती है IVT, DCT और मैनुअल। फिलहाल हमारे साथ मैनुअल वेरिएंट है, 6 स्पीड मैनुअल मिलती है। DCT आपको टर्बो में मिलती है, और टर्बो में आपको मैनुअल का भी ऑप्शन मिल जाता है, बट टर्बो DCT अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स हैं वो आपको एड ऑन होते हुए मिल जाते हैं। ADAS आपको मिल जाता है SX ऑप्शनल एंड टर्बो वेरियंट्स में। SX में आपको ADAS का फंक्शन नहीं दिया गया है। बाकी ऑल ओवर कार अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है। फ्रंट रो सीट्स की भी बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छा सपोर्ट एक मिल जाता है, लेग रूम अच्छा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा ही है, और हेडरूम अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ ऑफर करती है। एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है, कुछ इस तरह के स्पेस यहाँ पे दिए गए हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, चारों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, एंड काफ़ी एयरी फील होती है ऑल ओवर। वरना जो क्योंकि बेज एंड ब्लैक का इंटीरियर है, थोड़ी सी ब्लैक इंटीरियर रहती है, थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है, बट वहाँ पे आपको जो सीलिंग है वो ब्लैक में देखने को वाइट में मिल जाती है, तो उतना भी क्लॉस्ट्रोफोबिक आपको नहीं फील होगा। बाकी इस वेरिएंट में काफ़ी एयरी फील एंड थोड़ी सी जो कॉरपोरेट फील है वो आपको आने वाली है। ORVM डिज़ाइन कुछ इस तरह के शार्प लुक में दिए गए हैं, और फ्रंट जो ड्राइव करते हुए आपको व्यू कुछ इस तरह का मिलने वाला है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स नई हुंडई वरना की, आपको वरना कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन बताना ना भूलें। और अगर हम इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पे आपको मिलती है, अगर आप नॉर्मल वेरिएंट लेते हैं जो 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड है, वहाँ पे आपको 114 PS की पावर एंड 144 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिलता है। एंड अगर आप टर्बो वेरिएंट में जाते हैं तो वहाँ आपको 160 PS ऑफ पावर एंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाता है। बाकी आपको इंसुलेशन प्रोवाइड कर दी गई है, गाड़ी की इंजन रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छी रिफाइन की गई है, इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं थी खास, बट यहाँ पे कंपनी आपको जो इंसुलेशन है वो मटेरियल प्रोवाइड कर दी है। बाकी आपको कार कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्द एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय।